अस्सलामु अलैकुम गाइस, मैं हूँ मोहम्मद दानिश। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास प्रॉप्स क्या होते हैं, तो ये हमें रिएक्ट की यहाँ हमें वेबसाइट में बताया गया है कि कंपोनेंट लेट यू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रीयूजेबल पीस एंड थिंक अबाउट ईच पीसेस इन आइसोलेशन। ठीक है गाइस, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास कंपोनेंट्स क्या होता है। और बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट जो हैं ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या करते हैं, इनपुट टेक करते हैं, और उन इनपुट टेक करने को हम क्या कहते हैं, प्रॉप्स कहते हैं। हम फंक्शन के थ्रू जो इनपुट्स देंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्रॉप्स कहलाएंगे। सो गाइस, ब्लीप में बहुत आसान है, आइए ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारा प्रीवियस कोड है, अगर आपने ये नहीं देखा तो काइंडली पहले आप इसे देख लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ, सॉरी हम ESX के थ्रू ही बनाएंगे, कॉन्स्ट पेरेंट लिख देते हैं। जब भी हम कंपोनेंट बनाएंगे तो फर्स्ट जो है हमारे पास लेटर जो है वो कैपिटल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारा क्या होगा, ये हो गया। अब इसे हम करेंगे रिटर्न करेंगे। ठीक है, और रिटर्न करने के लिए अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये, और यहाँ हम डिव लेंगे। ठीक, और इसके अंदर हम लिखेंगे H1 हेलो पेरेंट कंपोनेंट। ठीक हो गया। इसी को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं योर नेम इस। ठीक, यहाँ अभी मैं प्रॉप्स पास करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉप्स क्या होते हैं। और यहाँ लिख देते हैं योर एम्प्लॉय आईडी, आपकी जो एम्प्लॉय आईडी होगी उसको भी हम टेक करेंगे। ठीक है, सो गाइस ये कैसे करते हैं इसे ज़रा देखें आप। ये मेरे पास कंपोनेंट है, हम इनपुट प्रॉप्स यहाँ देते हैं। मैं देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू, माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश, तो मैं लिख देता हूँ मोहम्मद दानिश। ठीक है, एक प्रॉप्स दिया। सेकंड देना है ईआईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, और ये मैं दे देता हूँ 63। ठीक हो गया। अब इसको मैंने यहाँ, ठीक है, यहाँ मैंने रेंडर करवाना है इसको, यहाँ मैंने वो करना है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूँ, यहाँ जस्ट ओनली नेम लिख दूँ और यहाँ ईआईडी लिख दूँ, तो क्या ये चल जाएगा, देखते हैं हम इसका आउटपुट। तो देखें गाइस हमारे पास क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है। सो हाउ कैन वी रिजॉल्व इट, सिंपल है, हमने यहाँ तो प्रॉप्स दे दिया लेकिन यहाँ फंक्शन में हमने नहीं लिखा, तो हम सिंपल यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉप्स। ठीक है, दिस डॉट प्रॉप्स नहीं आएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि मज़ीद इसकी डिटेल। तो अब क्या एरर आएगा, यस अब भी आएगा, देखें ये देखें अब भी आ रहा है एरर, क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉप्स PROPS प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट EID। अब देखेंगे इस, अब कोई एरर नहीं होगा आपके पास, अब भी एरर आ रहा है, हेलो इज़ नॉट डिफाइंड, कह रहा है कि हेलो आपके पास डिफाइंड नहीं है, सही कह रहा है। तो यहाँ हम हेलो की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पेरेंट। ठीक, अब ये देखें, हेलो पेरेंट कंपोनेंट, योर नेम इज़ मोहम्मद दानिश एंड योर एम्प्लॉय आईडी इज़ 63। सो गाइस देखें हमने कितनी अकलमंदी और होशियारी के साथ जो है अपने प्रॉप्स का हमने यूज़ किया। आई होप गाइस आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये तो आपने सीख लिया होगा। अब हमने सीखना है कि हम किस तरीके से अपने क्लास कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इसे मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और क्लास कंपोनेंट एक बनाते हैं सिंपली, इसके लिए हम लिखेंगे क्लास। ठीक है, और इसे मैं नाम दूंगा, इसे मैं नाम दूंगा पेरेंट ही का। ठीक है, इसे मैंने पेरेंट ही का नाम दिया, इसे मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड्स करूंगा, फिर लिखूंगा कंपोनेंट, इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है, ये आना ज़रूरी है आपको। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर हम लोग रेंडर करवाते हैं। गाइज अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली पहले मेरी
प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, रेंडर के अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो मैं यहाँ रिटर्न, बल्कि ये सारा यहाँ से अगर कॉपी पेस्ट कर दूँ तो आप मुझे नहीं रोकेंगे यकीनन। तो यहाँ से कॉपी करा और यहाँ हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ क्या, इसे हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया, हट गया। ठीक, सही। अब आप क्या कहेंगे कि यहाँ हमारे पास एरर आएगा या चल जाएगा? यस, पॉज करके आप सोचें कि यहाँ हमारे पास चलना चाहिए या क्या होगा। तो यहाँ देखें, नहीं हो रहा गाइस, इट्स मीन यहाँ एरर आ रहा है। तो याद रखें, जब भी हम क्लास कंपोनेंट्स को का यूज़ करेंगे तो हम प्रॉप्स जब भी हम वो करेंगे तो इसके साथ हम लगाएंगे दिस डॉट। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, दिस डॉट। सेव करेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ हम इसे कॉल करें, ये देखें आ गया आपके पास। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से क्लास कंपोनेंट के अंदर जो है प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हम पेरेंट्स के ज़रिए किस तरीके से चाइल्ड्स में प्रॉप्स जो है उसे कॉल कर सकते हैं। सो गाइज, बिलीव में ये भी बहुत आसान है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, यहाँ से अब इसे मैं पेरेंट बना देता हूँ। ठीक, और यहाँ मैं एक अपना प्रॉप्स, बल्कि कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ चाइल्ड नाम का। ठीक हो गया, और यहाँ क्लास पे मैं इसे चाइल्ड लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, सॉरी, ये मेरे पास हो गया चाइल्ड। ठीक, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा हेलो चाइल्ड आ गया। ठीक, और एज इट इज़ बाकी यूं ही रहेगा। और यहाँ मैं क्या कर दूँगा, पेरेंट्स से यहाँ मैं नेम पास करूँगा, नेम इक्वल्स टू यहाँ लिख देते हैं अली। ठीक हो गया, एंड ई आई डी हम लिख देते हैं, ई आई डी इज इक्वल्स टू 49 लिख देते हैं। ठीक हो गया, अब कोई एरर तो नहीं आना चाहिए, ये चल जाना चाहिए। ज़रा देखते हैं हम। यस, ये देखें गाइस, हेलो पेरेंट कंपोनेंट, योर नेम इज़ मोहम्मद दानिश, योर एम्प्लॉय आई डी 63। हेलो चाइल्ड कंपोनेंट, योर नेम इज़ अली एंड योर एम्प्लॉय आई डी इज़ 49। सो गाइस, ये देखें आपने किस तरीके से अपने फंक्शनल कंपोनेंट में और चाइल्ड कंपोनेंट्स में प्रॉप्स का यूज़ किया। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। Thank you so much.